विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन संसद परिसर के अंदर गांधी मूर्ति के सामने इस वक्त हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों के तमाम जो नेता हैं यहां विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर लगातार ये मांग रखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और नोटबंदी के मसले पर जवाब दे। इसके अलावा जेपीसी जांच की मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और नोटबंदी को लेकर जो असुविधा हुई है उस पूरे मसले पर विपक्ष प्रधानमंत्री से माफी की भी मांग कर रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के नेता, एडीएमके, आरजेडी, लेफ्ट के नेता जो हैं इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जन आक्रोश दिवस का भी आज आयोजन किया गया है पूरे देश भर में, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जन आक्रोश दिवस के मुद्दे पर विपक्ष जो है बटा हुआ है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू ने इस पूरे जन आक्रोश दिवस का समर्थन नहीं किया, तो विरोध के तरीके पर जो है विपक्ष बटा हुआ है। हालांकि सदन के अंदर जो है विपक्षी एकजुटता दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू का न होना इस जन आक्रोश दिवस में कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को कहीं ना कहीं उससे नुकसान पहुंचा है। और आप फिलहाल देख सकते हैं गांधी मूर्ति के सामने जो है विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं यहाँ एकजुट हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन में कोई नजर नहीं आ रहा है, तो नोटबंदी को लेकर जो असुविधा हो रही है उस पर विपक्ष की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि सभी एकजुट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध का तरीका है उसमें विपक्षी पार्टियों में एकजुटता नहीं दिख रही है। इस समय कैमरा पर्सन ललन ठाकुर के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।